चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। खरीफ की फसलों का रकबा जो फिलहाल घटा हुआ दिख रहा है वो सामान्य हो जाएगा। उत्पादन का लक्ष्य पूरा होगा क्योंकि देश के पूर्वी राज्यों और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बुवाई 15 सितंबर तक चालू है। असम और बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बुवाई उस क्षेत्र में की जा रही है जहां पानी घट गया है, ये भरोसा दिलाया है कृषि मंत्रालय ने। लेकिन ये बात इसलिए हजम नहीं हो रही क्योंकि आंकड़ों की सच्चाई ये है कि बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ फसलों की बुआई के रकबे में लगभग 18 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। बीते साल इस वक्त तक जहां 1027 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की गई, वहीं इस साल ये आंकड़ा घटकर 1010 लाख हेक्टेयर ही रहा है। इसके अलावा आमतौर पर खरीफ की फसलें जून में साउथ वेस्ट मानसून के आने के साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर आते आते फसल की कटाई होती है, लेकिन यहाँ तो 15 सितंबर तक भी खरीफ की फसलों की बुआई की बात चल रही है। रकबा घटने का सीधा मतलब है कि प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऐसे कोई हालात नहीं है कि रकबा घटेगा और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी तो उससे ये कंपनसेट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस बार जो खरीफ का उत्पादन है वो उसमें कुछ गिरावट आना लगभग तय है। ये दालें वगैरह हैं उनका उत्पादन गिर सकता है, मोटे अनाज हैं उनका उत्पादन गिर सकता है। हालांकि कृषि मंत्रालय के ही अपने आंकड़ों के मुताबिक सभी खास फसलों में अभी तक पिछले साल के मुकाबले रकबा घटा है। साल 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में धान की बुवाई में 17 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। बात करें दलहन की तो यहाँ भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल रहा, यहाँ बुवाई का रकबा 4 लाख हेक्टेयर कम रहा है। गन्ने की बुवाई के मामले में भी पिछले साल के मुकाबले 2019-20 में 3 लाख हेक्टेयर का असर पड़ा है। हालांकि कपास के मामले में ऐसा नहीं है, इसके रकबे में पिछले साल के मुकाबले 8 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज हुई है। पिछले कुछ दिनों में कई प्राइवेट एजेंसियां भी खरीफ फसल के उत्पादन के प्रोजेक्शन को लेकर अपने अपने आंकड़े पेश कर रही हैं, जिनमें उत्पादन घटने की बात सामने आ रही है। लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से छपी इस खबर में सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि चिंता मत करो, हम किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।